सिक्योराई में आपका स्वागत है। आज मैं जा रहा हूँ बनाने एसी 2000 जो फिंगरप्रिंट्स रीडर है, इसका कनेक्शन डायग्राम और कैसे इसमें फिंगर इनरोल करते हैं, कैसे पासवर्ड इनरोल करते हैं, कार्ड कैसे इसमें इनरोल करते हैं, ये सारा प्रोसेस मैं आज जा रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए। तो पहले मैं इसका ये बता देता हूँ कि इसको ऑन करने के लिए पावर सप्लाई कितना चाहिए होता है और इसका कनेक्शन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है। इसको आप पावर ऑन करने के लिए इसको नॉर्मली हमें 12 वोल्ट 1 एम्पियर या 2 एम्पियर का अडाप्टर चाहिए होता है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सारे प्रोसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका पावर सप्लाई 12 वोल्ट, एक जैक आता है, इस जैक को हम इसमें लगा देंगे जिसमें ये पावर है इनपुट के लिए और ये दोनों पावर है, ये कॉम एन सी एन ओ की, ये जितने कीज हैं ये लॉक को कनेक्ट करने के लिए और एग्जिट बटन प्लस पावर इसमें देने के लिए, ये पांच की यूज होते हैं। और ये बेल के लिए यूज होता है, ये रीडर कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो मैं अब प्रोसेस कनेक्शन का बताने जा रहा हूँ आपको। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ कैसे इसका कनेक्शन होता है। ये हमारा जैक है जो इसमें इजीली हम इसमें इनपुट कर देंगे, इस जो जैक दिया हुआ पीसीबी में ऐसे ये प्रॉपर तरीके से लग जाएगा यहाँ पे। और ये है इसका पावर सप्लाई जो ट्वेल्व वोल्ट 1 एम्पियर का है, 2 एम्पियर अभी आप यूज कर सकते हैं। अभी मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कैसे इसमें हम फिंगर इनरोल करते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है। पहले हम क्या करेंगे, हैस प्रेस करेंगे 1 टाइम, फिर ये इंडिकेशन लाइट अभी इंडिकेट किया हुआ है, कलर चेंज होगा रेड से ब्लू। उसके बाद हम 2 बार 1 प्रेस करेंगे, फिर ये थोड़ा सा लाइट चेंज होगा, फिर हम हैस प्रेस करेंगे, ये देखिए इंडिकेशन आ गया, एक आपका पिंक कलर और एक फिर येलो। इट मीन्स अभी हम फिंगर इस पे दिखाएंगे 3 टाइम्स। ये इनरोल हो गया। अगर हमें चाहिए इसी पे एक एज ए बैकअप फिंगरप्रिंट इनरोल करना है, देन हैस प्रेस करके हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज 2 बार हम स्केप बटन स्टार बटन प्रेस करके हम बाहर आ सकते हैं प्रोग्रामिंग मोड से। मैं कंटिन्यू करके बताता हूँ आपको। फिर से इंडिकेशन हो गया इनरोलमेंट का। अब हम दूसरा फिंगर दिखाते हैं यहाँ पे 3 टाइम, 1, 2 एंड 3, ये इनरोलमेंट हो गया सक्सेसफुल। अब यहाँ से हम स्टार 2 बार प्रेस करेंगे एक प्रोग्रामिंग मोड से बाहर आने के लिए। ये हम बाहर आ गए। अब हम इसमें फिंगर दिखाएंगे तो हमारा डोर रिलीज हो जाएगा लॉक, ये इसका मतलब डोर रिलीज हो गया, सही है, ठीक तो है। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ कैसे पासवर्ड कैसे इसमें ऐड करते हैं, उसका भी वेरी सिंपल प्रोसेस है। पहले हम हैस प्रेस करेंगे 1 बार के लिए, ये इंडिकेशन लाइट आ गई। अब हम नंबर टाइप करेंगे जिसके थ्रू कार्ड इनरोल होता है, वो होता है 1 एंड 3। फिर हम हैस प्रेस करेंगे, ये इंडिकेशन हो गया कि अब कार्ड आप स्वैप करें इसमें। तो ये हमारा कार्ड है, इसको हम यहाँ पे स्वैप करेंगे, ये इनरोल हो गया। फिर हम हैस प्रेस करेंगे और यहाँ से अगर आपके पास मल्टीपल कार्ड्स हैं तो आप ऐसे स्वैप करेंगे और फिर हैस प्रेस करेंगे, फिर स्वैप करेंगे, हैस प्रेस करेंगे, सारे कार्ड्स आपके इनरोल हो जाएंगे। फिर हम इनरोल होने के बाद स्टार प्रेस करेंगे और यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। 2 बार स्टार प्रेस करना होता है। अभी हम प्रोग्रामिंग मोड से बाहर आ गए हैं, अब हम कार्ड इस पर स्वैप कर सकते हैं। ये हम कार्ड स्वैप कर रहे हैं, ये रिलीज हो रहा है डोर, और फिर हम स्वैप करेंगे, ये डोर अगेन रिलीज हो गया। अब इसमें क्या है कि आप 500 यूजर्स ऐड कर सकते हैं, वो फिंगरप्रिंट हो या कार्ड हो या पासवर्ड हो, इसमें कैपेसिटी है यूज़र की 500, जिसमें से आप एडमिन भी नंबर ऑफ 5 यूजर्स बना सकते हैं। इट मीन्स
495 यूजर्स आप ऐड कर सकते हैं इसमें, वो कार्ड हो या फिंगर हो या आपका पासवर्ड हो। ठीक है, थैंक यू, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिक्योर आई में धन्यवाद।